Hey kids, how are you doing? Welcome to another super cool, super awesome and absolutely amazing session on NCERT marking series part 2 of ecosystem. Ecosystem mujhe abhi tak, matlab I can say it with guarantee ki aapka ecosystem is level se is level tak pahunch chuka hai. Mujhe matlab I know it. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था आपका इकोसिस्टम लिटरली इस लेवल तक पहुंच चुका है बिकॉज इतने अच्छे से इतनी बार स्टार्टिंग फ्रॉम फुल चैप्टर इन वन शॉर्ट टू इकोसिस्टम मार्किंग सीरीज सब कुछ एनसीईआरटी से सब कुछ हमने कर लिया है सो मतलब अब आपके जो इकोसिस्टम के टफ क्वेश्चन आते थे ना ट्रिकी क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन ये वो जितने भी मतलब बायो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे मेरे प्यारे वी बायोटोनियंस के यू हो जाएंगे यू एंड वॉट विल हैपन is na jab aapke tough questions ya ye wale type ke questions thoda jaldi hone lag jate hain na exam mein to pata hai hota kya hai आपको थोड़ा टाइम मिलने लग जाता है और उस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करते हो उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो सो ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी मतलब एक से एक रिलेटेड है बहुत सिंपल चीजें और एक से एक रिलेटेड चीजें कि यार अगर मैंने एक चीज को अच्छे से और जल्दी कर लिया तो देखो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मोराल बढ़ेगा क्योंकि इस वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर लोग गलत करते हैं सो ऑटोमेटिकली फील गुड फैक्टर आएगा तो रिलैक्स होगी बॉडी रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीजों में ध्यान ज्यादा लगेगा दूसरी चीजें अच्छी करेंगी मतलब ये बहुत ही सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज है तो चलो बिना किसी भी डिले के किसी भी मतलब विलंब के कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करना अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज पार्ट 2 इको सिस्टम चलो लेट्स स्टार्ट और बच्चों इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं चलो वन लाइक बच्चों मतलब मैम को ऐसे बोलना पड़ता है यार लाइक कर दो मतलब लाइक तो होना चाहिए मैम का लेक्चर है वाणी मैम के लिए एक लाइक हम अपने आप करेंगे और ये हमारा सुपर मतलब ऑसम टेलीग्राम ग्रुप है बड़ा मजेदार टेलीग्राम ग्रुप है ये यहाँ पे बहुत मोटिवेशन होती है बहुत एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाता है एंड कंटिन्यूस मैसेजिंग की बाहर चलती है टेलीग्राम ग्रुप पे एंड नो नॉनसेंस मैसेजेस एब्सोल्युटली सुबह दोपहर शाम को मैसेजेस टू मोटिवेट यू मैसेजेस टू टेल यू अबाउट क्लास टाइमिंग्स मैसेजेस टू टेल यू अबाउट टेस्ट अबाउट असाइनमेंट्स अबाउट ऑल ऑफ दैट दैट्स हैपनिंग ऑन द कम्युनिटी पेज वी टेल यू ऑल दिस ऑसम टेलीग्राम ग्रुप यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी You can feel good when you're lost. You can feel, you know, like, okay, I'm able to do something nice through this awesome Telegram group. And ye rahi hamari bahut hi choti si cute si team. So make sure, my dear kids, you like, you share, and you subscribe to our amazing channel. Because it's only because of you that we are there. You are the strength behind all of us. So you are the ones who are constantly telling us to rise above being mediocre and mundane. You are the ones who are constantly being the pushing force that we need sometimes. So make sure you like, share and subscribe to our amazing channel. Chalo. Moving ahead. Ecological pyramids, right? Part 1 हमने कर लिया, अब हम part 2 पे move कर रहे हैं, but I'm going to be talking about ecological pyramids. You must be familiar with the shape of a pyramid. Yes, ma'am. Yes. तो ये आपका base होता है, ये हमेशा broad होता है. एंड ये एपेक्स होता है जो बहुत ही पॉइंटेड होता है राइट इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं सो दैट एवरीबडी कैन सी इट तो ये आपका पिरामिड ऐसा होता है ये बेस जो कि बहुत ब्रॉड है और ये एपेक्स जो कि बहुत ही अपाइकल शेप में पॉइंटेड है एपेक्स है राइट यस मैम वी नो इट ब्रॉड नैरो एट द एपेक्स पता है मैम यस मैम राइट वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप क्योंकि जो एनर्जी का रिलेशनशिप है ओनली 10% आगे जाती है रूल ऑफ 10 सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी क्योंकि सिर्फ 10% जाएगी तो अगर नीचे 1000 है ऊपर सिर्फ 100 जाएगी उसके ऊपर सिर्फ 10 जाएगी राइट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल दस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर बायोमास और एनर्जी मैं आपको भी पिरामिड दिखाऊंगी या तो पिरामिड ऑफ नंबर होंगे इतने ऑर्गेनिज्म से ये बायोमास होंगे या पिरामिड ऑफ एनर्जी बेस को हम प्रोड्यूसर्स मानते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये एमसीक्यू के लिए बहुत इजी है एपेक्स आपके टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर्स है इकोलॉजिकल पिरामिड यूजुअली यस यूजुअली स्टडीड अंडर पिरामिड ऑफ नंबर बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं नंबर बायोमास एनर्जी लेट्स लुक एट इट इन डिटेल राइट ये रहे हमारे नंबर्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपके सामने हैं फाइटोप्लैंक्टन्स इन सी यू नो स्मॉल प्लांट्स हर्ब्स मतलब जितने भी ट्रीज वगैरह जितने भी हैं ऑन लैंड कंज्यूमर्स
सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहां पे आ जाएगा आपका डियर, राइट, डियर को हंट कर लेगा आपका वुल्फ, लायन, इज दैट क्लियर? तो ये आपके सेकेंडरी और टर्शरी टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। ये आपका बायोमास, बायोमास ड्राई वेट इन केजीज, क्या आपको दिख रहा है ऊपर कितना स्टीप है? कैन यू सी द डिफरेंस ऑफ स्टीपनेस? 809 से मैं 1.5 पे पहुंच गई हूं, वेरी स्टीप। तो इन पिरामिड्स को कैन आई कॉल देम अपराइट? यस मैम, यस। क्या ये अपराइट पिरामिड है? बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई बार दिमाग से निकल जाती है और हम गलती कर देते हैं, बहुत छोटी चीजें। तो अपराइट है मतलब ये ऐसी ऐसे ही है, बेस में हमेशा ज्यादा है, ऊपर का मैं अपराइट पिरामिड है, बिल्कुल ठीक, लाइक बिल्कुल बिल्कुल हम ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चलो ओके, लेट्स मूव अहेड, राइट। इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज। आपको स्टैंडिंग क्रॉप पता है एक गिवन ट्रोफिक लेवल पे टोटल बायोमास कितना है? एक गिवन ट्रोफिक लेवल पे टोटल बायोमास कितना है आपका स्टैंडिंग क्रॉप होता है? यस, इसकी एक स्नैपशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, परफेक्ट। सो आप लोगों ने फोटो खींच ली। नाउ दिस इन्वर्टेड पिरामिड इज द वन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वर्ड है ना, ये एमसीक्यू में कम से कम 6 to 7 टाइम्स आ चुका है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर एनसीईआरटीज विच नीड्स टू बी मार्क्ड राइट नाउ। सो फाइटोप्लैंक्टन्स लेस एंड और द ज़ूप्लैंक्टन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको मैं ज़ूप्लैंक्टन्स लिख देती हूं। कंफ्यूज मत होना अगर उन्होंने ज़ूप्लैंक्टन्स वर्ड नहीं दिया, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन एज primary consumers. So the primary producers are less but the consumers are more in number. So it is a inverted pyramid. Inverted pyramid tree mein bhi hota hai. So there is only, yes, we'll have to do a abracadabra. Oh my god, so good. So ek tree hai but the tree is only one. Iske upar birds maan lete hain 50 aur birds ke upar 500 insects hain. So this also is a inverted pyramid. These questions are exceptions and hence they come in the exam. बट जो एनर्जी का पिरामिड है दैट इज ऑलवेज एंड एवरी टाइम अपराइट, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑलवेज एंड एवरी टाइम ये अपराइट ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो सब देखो सनलाइट एनर्जी से कितनी ज्यादा आ रही है, देन दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, ऊपर 1100 एंड ओनली 10 गोज टू द फाइनल ट्रोफिक लेवल, इज दैट क्लियर? Come on, cool, चलो तो इसी के साथ, एंड बच्चों लाइक लाइक लाइक, पेज नंबर 248 है आपके एनसीईआरटी का, पता होना चाहिए, डन। चलिए लेट्स मूव अहेड। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर्स हैज टू इंक्लूड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रोफिक लेवल। ऐसा नहीं है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, इसको बोला बहुत अच्छा, उसको बोला यार तुम्हारा मुझे कोई काम नहीं है, दैट्स नॉट हाउ नेचर ऑपरेट्स। फॉर नेचर एवरीबडी इज इक्वल, राइट, नो जनरलाइजेशंस वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रोफिक लेवल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ टीचर। फॉर मी एवरी चाइल्ड हैज पोटेंशियल। मैं ये नहीं कह सकती ये टॉपर इसको मैं पढ़ाऊंगी, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, मैं अभी इसको नहीं पढ़ाऊंगी। एवरी चाइल्ड हैज पोटेंशियल और मेरा काम है जस्ट लाइक नेचर टू टेक यू फ्रॉम वेयर एवर यू आर राइट नाउ टू द मैक्सिमम दैट योर potential can. Is that clear? Also, a given organism may occupy more than one trophic level. सारे organisms को करना है, हो सकता है अभी वो, you know, जैसे frog है, हो सकता है frog घास खा ले, हो सकता है frog आगे चल के एक beetle को खा ले, तो sick. थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जब घास खा लिया तो सेकंड लेवल पे। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रोफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल। फंक्शनल है वो, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, फंक्शनल। ट्रोफिक लेवल आपका ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं है आपका कोई, ट्रोफिक लेवल सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल लेवल है, स्पीशीज नहीं है। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रोफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। तो ग्रास फ्रॉग ने खा ली, ग्रास को बीटल ने भी खा लिया, उसी फ्रॉग ने थोड़ी देर बाद जाके बीटल को भी खा लिया। For example, एक sparrow is a primary consumer when it eats seed, fruit, peas, and secondary consumer when it eats insects and worms. Right? तो आपने इसको दोनों जगह देखो consider किया हुआ है ना? Yes. Okay. In most ecosystems, all और humans क्या होते हैं? Humans basically top पे ही होते हैं with lion and tiger top because they consume everything. राइट, बट ह्यूमंस भी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे अगर सीधा घास खा ली और अगर कोई यू नो कोई गोट खा ली या मुर्गी खा ली, सो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएंगे। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी आर
ये क्वेश्चन तो कम से कम 2000 टाइम्स आ चुका है. पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. इज दैट क्लियर? एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज हायर. एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट होगा, बिकॉज लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो हमेशा हाई होती है. There are exceptions to this generalization, right? Now, अभी मैंने बताया था big tree वाला कैसा pyramid बनेगा, inverted. Pyramid of biomass in sea is also inverted. ये दोनों, यही तो हमने किया था पिछले चार्ट पे, क्योंकि phytoplanktons कम, zooplanktons ज्यादा, तो this also is like this. Clear है? Phytoplanktons कम, zooplanktons ज्यादा. Is that clear everybody? Yes, इसका एक snapshot ले लीजिए. चलिए, ले लिया, perfect. चलो आगे बढ़ते हैं. Pyramid of energy is always upright, can never be inverted. ये तो मतलब कम से कम 20 times MCQ है, because rule of 10 की वजह से. किसकी वजह से? Rule of 10. किसकी वजह से? मैम rule of 10. What is rule of 10? कि सिर्फ 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी. Is that clear? Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. Per unit area कितना है? Right? चलो आगे बढ़े. Now, सक्सेशन पे हम आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा. हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सच एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स. वो स्पैरो जो सीड खा रही है और वो स्पैरो जिसने इंसेक्ट खाया, उसको दो दो ट्रॉफिक लेवल्स पे कैसे करेंगे? इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट. इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, आगे पिरामिड हमेशा एक के बाद अगला ट्रॉफिक लेवल उसके बाद. पर ऐसा तो होता ही नहीं है, हमेशा इंटरमिक्सिंग होती है. स्पैरो सीड भी खाएगी, स्पैरो इंसेक्ट भी खाएगी, स्पैरो दोनों काम करेगी. इज दैट क्लियर? तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. मोर ओवर सैप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी है डेड और डिकेइंग. अगर मैंने डेड और डिकेइंग को कोई जगह नहीं दी, तो अगर न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन होगा ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट के आप मुझे बताइए, अगर न्यूट्रिएंट का आपने सर्कुलेशन ही नहीं किया, तो कितनी देर तक आप सस्टेन कर पाएंगे? बिकॉज न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए. याद करो, थोड़े दिन पहले फास्फोरस साइकिल किया हमने, कार्बन साइकिल किया है, राइट? इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. सो ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज, इट कैन कम एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन. सो आप अगर आप देखोगे आंसर में ट्रॉफिक लेवल लिखा है, दैट वन ऑर्गेनिज्म इज ऑक्यूपाइंग मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, वो कर दो. सेकंड लिखा है सैप्रोफाइट की कोई जगह नहीं है, वो कर दो. सी ऑप्शन में बोथ द अबव लिखा है, हाई फाइव, बोथ द अबव, वन लाइक नाउ. चलो कम ऑन गाइज, कम ऑन. और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, जब मैं आपको ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन करवा रही थी, सबसे ज्यादा कंडीशंस कैसे डेट्रीवोर्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. अब आ जाइए आप इकोलॉजिकल सक्सेशन पे, जिसपे 500% क्वेश्चन आएगा. 500% एक क्वेश्चन आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आएगा. तो आप प्लीज अभी मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए. In the chapter 13, the characteristics of population and community are also their response to environment and how such responses vary from individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. An important characteristic of all communities is that composition and structure constantly change. Obviously, populations change hoti, communities mein composition aur structure change hota hai. Ye jo change hota hai, ye bada orderly aur sequential hota hai. Ye aapki tarah change nahi hota, abhi physics padh rahe the, 2 minute baad chemistry ki book khol li. ये बड़ा ही ऑर्डरली और सिक्वेंशियल चेंज होता है. इसको क्या कहते हैं हम? सक्सेशन. क्या कहते हैं? सक्सेशन, राइट? पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, सॉइल के हिसाब से, मॉइस्चर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है. दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. जो सबसे टॉप पे कम्युनिटी है जो इक्विलिब्रियम के साथ है एनवायरनमेंट पे, जिसमें अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है या कोई चेंज दिख नहीं रहा है बिकॉज वेरिएशन अभी तक एक्यूमुलेट हो रही है, चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स कॉल्ड योर क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो जो शुरू करने वाली कम्युनिटी है वो पायनियर कम्युनिटी, इतनी बार आप पढ़ चुके हैं लाइकन्स. जो एंड पर आपको कम्युनिटी पाई जाएगी वो आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है. और बीच की सारी कम्युनिटीज आपकी क्या कहलाती हैं? बीच की सारी कम्युनिटीज क्या कहलाती हैं आपकी, बताइए. चलिए कम ऑन, बीच की सारी कम्युनिटीज क्या कहलाती हैं? सेरल स्टेजेस. सक्सेशन में क्या कहलाती हैं? सेरल
stages. Hydrocere is succession in water. Xerocere is succession in desert areas. Right to seral stages. Cere or seral stages. Chaliye. So can we do succession in detail? Very important from MCQ point of view. Chalo. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called cere, seral stage cere. Ek ke baad ek, ek ke baad ek, ek ke baad jo change hota jayega, usko hum cere kehte hain. The individual transitional communities are called seral stages or seral communities. In the successive seral stages, there is a change in the diversity of species of organisms. Increase in the number of species and organisms as well as an increase in total biomass. Right? Increase in the number of species. Organisms kitne hai? Increase in the total biomass. Present day communities in the world have come to me because of succession that occurred over millions of years. Aaj humans kyun bane hai? Kyunki shuru se leke Ramapithecus, Sevapithecus, Cro-Magnon, Neanderthal man, Homo habilis, sabne kya ye stages hai? Kiski stages hai? Succession over millions of years. Actually, succession and evolution would have been parallel processes at that time. Obviously. Succession prove करता है that succession start हुआ जिसको मैं primary succession कहूँगी जो exam का favorite question है वहाँ से शुरू हुआ जब कोई भी life form कोई भी organism नहीं था right जैसे कि bare rock right bare rock पे सबसे पहले कौन आकर लगे होंगे lichens important MCQ और soil formation हुआ जिसको मैं pedogenesis आज की डेट में कहते हैं और जब कभी लेटर ऑन देखो बेटा हो सकता है लेटर ऑन सुनामी आ जाए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए हो सकता है लेटर ऑन वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है लेटर ऑन यू नो कोई सूखा पड़ जाए सारे प्लांट्स एनिमल सब मर जाए बट एटलीस्ट सॉइल तो बनी हुई है सो लेटर ऑन जो सक्सेशन होता है वो हमेशा इजी होता है बिकॉज फर्स्ट सक्सेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था Soil formation जिसमें time लगा so later on जब bare soil हो गई है दोबारा yes jungle destroy हो गए हैं reforestation करना है क्योंकि completely deforest हो गया area but soil is there so it is easier it is faster it is quicker seeds are there spores are there right so that is called a secondary succession right तो primary succession जो first वाला है first वो कहाँ कहाँ होता है bare rock newly created pond or reservoir Right, everybody. Now, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, right? तो सबसे important चीज़ थी soil जो लोने में time लगता है. और several hundred years लगते हैं pedogenesis और soil formation में. एक बार soil formation हो गया, अगर वो फिर भी bare हो गया, फिर से bare, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो bare हो गया, because at least आपके पास soil है, soil में थोड़े बहुत nutrients हैं, weathering हो चुकी है, rocks की soil बन चुकी है, spores हैं, seeds हैं. But what is the most important thing is soil formation, which is pedogenesis. Chalo. Let's move ahead. Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed. कभी थी वहां नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी अभी वो नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है अबैंडन्ड फार्मलैंड्स कुछ नहीं है वहां सूखा पड़ चुका है राइट बर्न्ड और कट फॉरेस्ट्स लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड पानी आ गया है सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन इज दैट क्लियर राइट नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये बहुत बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोकस करता है चेंजेस इन वेजिटेशन पे वेजिटेशन प्लांट्स कैसे हैं सबसे पहले छोटा छोटा घास फूस हर्ब श्रब्स उगेंगे और बड़े होंगे छोटे ट्रीज आएंगे और बड़े होंगे और बड़े ट्रीज आएंगे इमर्जेंट ट्रीज आएंगे पूरा फॉरेस्ट कैनोपी बनेगा इज दैट क्लियर एवरीबडी सो ये फोकस करता है वेजिटेशन पे और जो वेजिटेशन के चेंजेस हैं वो अफेक्ट करते हैं फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स जब वेजिटेशन चेंज होगा पेड़ पौधे चेंज होंगे तो वेजिटेशन की वजह से शेल्टर घर यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स अगर पेड़ ज्यादा आए तो पेड़ पे शेल्टर लेने वाले एनिमल्स आएंगे इज दैट क्लियर सो धीरे धीरे एनिमल्स अगर पेड़ पौधे चेंज होंगे तो कैसे कैसे डिकम्पोजर्स हैं वो चेंज होंगे सो एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस फायर लग गई जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है कितने सालों का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है डिफॉरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू अ अर्लियर स्टेज
सक्सेशन हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं वो, पर अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, फायर लग गई, सो इट इज गोइंग टू गो बैक एंड अगेन रीस्टार्ट. सो ऐसी conditions, न्यू conditions क्रिएट करती है सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट. ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर लगने इज अ वेरी रेगुलर प्रोसेस, क्योंकि वहां के सीड्स मेच्योर ही तब होते हैं जब सॉइल में वो टेम्परेचर हो. बट अब इतनी ज्यादा बुशफायर थी कि उसने बहुत सारी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन भी करवा दी होगी. राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक बैलेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी विच इज अ वेरी वेरी फाइन बैलेंस. सेकेंडरी सक्सेशन, ओके दैट ओके, दिस पेपर वी हैव डन इट. चलिए, अरे हमारे पास एक क्रैश कोर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है. यस एवरीबॉडी, बहुत अमेजिंग, बहुत ही ऑसम, सुपर डुपर लाइक क्रेजी क्रैश कोर्स, ऑसम क्रैश कोर्स. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाया जाएगा. रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको. मैं अपने क्रैश कोर्स में हर क्लास में होमवर्क देती हूँ, डाउट्स लिए जाते हैं. दो दो अकेडमिक मेंटर होते हैं फॉर योर डाउट डिस्कशन इन माई क्लासेस. हर क्लास की आप रीप्ले रिकॉर्डिंग देख सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ दिस इज शेयर्ड विद यू. राइट, बूस्टर क्विजेज आप देख रहे हो वहां क्या क्या लिखा है. राइट, क्विजेज आपको दिए जाते हैं, प्रीवियस पेपर एनालिसिस आपको दिया जाता है, ए टू जेड सब हमारे क्रैश कोर्स में करवाया जाता है. अगर आपने 12th का क्रैश कोर्स विद फुल पीसीबी ज्वाइन करना है और वानी मैम से पढ़ना है, तो कोड डाल दीजिए vdnt.in/neetcrashcourse एंड माय कोड इज vdneet एंड द क्रैश कोर्स इज अवेलेबल टू ओनली फॉर ₹9,024. कूल एवरीबॉडी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये अमेजिंग क्रैश कोर्स की अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत देना. लेट्स कम टू सक्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड देन आई विल कम टू सक्सेशन ऑफ एनिमल्स. अमेजिंग क्लासेस. लेट्स क्विकली कंप्लीटली मार्क आवर एनसीईआरटी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, वेदर इट इज वॉटर, हाइड्रोसेरे. राइट, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड हाइड्रॉक और ज़ीरॉक व्हेन इट इज वेरी ड्राई. सो हाइड्रॉक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज एंड द सक्सेशनल स्टेप्स प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक, दैट मीन्स वेरी वेरी वॉटरी, टू मीसिक, दैट इज एवरेज कंडीशन, नॉट टू वार्म, नॉट टू ड्राई. ज़ीरॉक टेक्स प्लेस इन वेरी ड्राई एरियाज एंड अगेन द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम, ये आपका बीच की स्टेज है बेटा, बीच की. हाइड्रो इज बीच में लाना, ज़ीरॉक मीन्स हाइड्रो में वॉटर बहुत ज्यादा है, ज़ीरॉक में वॉटर बहुत कम है, और दोनों ही स्टेजेस बीच में आएंगी, मीसिक कंडीशन में आएंगी. हेंस बोथ हाइड्रॉक एंड ज़ीरॉक सक्सेशंस, यहां पे वॉटर ज्यादा है, यहां पे वॉटर कम है. सो बोथ ऑफ देम कम टू मीसिक एवरेज कंडीशंस, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट. द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड योर Pioneer species. Right, primary succession on rocks. These are usually lichens. Lichens तीन तरह के, सबसे पहले आया था crustose, बिल्कुल चिपका हुआ था पापड़ की तरह, फिर आया था folios, leaves की तरह, और फिर आया था pendulous, जो थोड़ा उभर कर बाहर पौधों की तरह उग रहा है, fruticos. Right, इन्होंने help किया weathering करने में. Right, आपको पता है इन्होंने weathering करवाया, तो अगर ये आपका rock है ना, rock, तो इसके अंदर ऐसे lichen उग रहा है, देखो ये अंदर जा रहा है, इसकी रूट्स, ये लाइकन उगा हुआ है. तो इन रूट्स की वजह से रॉक्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड. क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड. इज दैट क्लियर. और फाइनली ब्रेक डाउन किया सॉइल फॉर्मेशन. दीज लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, which were able to take hold in small amount of soil. They are with time succeeded by bigger plants, bryophyte, pteridophyte. Bryophytes kya hai aapki? Mosses. Sphagnum, mosses aaye. Phir dheere, 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 pteridophyte, bigger plants aaye. Aur after several more stages, ultimately, ek stable forest bankar tayyar hua. Is that clear? Now, with time, the xerophytic habitat gets converted into a mesophytic one, hydrophytic one. Ponds सूख जाते हैं, lakes सूख जाती हैं, दलदल बनने के बाद वो एक forest area की shape ले लेते हैं. In primary succession in water, the pioneers are the small phytoplanktons. इनको रिप्लेस किया फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स. देन आए आपके रूटेड हाइड्रोफाइट्स. राइट, रूटेड हाइड्रोफाइट्स कौन से होंगे, आपके रूट वाले कौन से होते हैं, निम्फिया, निलंबो, लोटस वगैरह, सेजेस, grasses and finally trees, very important from MCQ point of view.
क्लाइमैक्स यहाँ भी एक फॉरेस्ट होगा विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड. क्योंकि बेटा जितने ज्यादा आपका निम्फिया निलंबो वैलिसनेरिया आइकॉर्निया पिस्टिया ग्रो करेगा उसका डेड ऑर्गेनिक मैटर तो उस पानी में नीचे ही बैठेगा. तो धीरे 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 लेक जो है वो आपकी ड्राई होती चली जाएगी, वाटर लेवल जो है आपका कम होता चला जाएगा. इज दैट क्लियर? राइट, एक सेकेंड. ओके, क्रॉस. इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कई स्पीशीज होती है जिनको ज्यादा वाटर चाहिए होता है, लोमी सॉइल चाहिए होती है, वुड. कई होते हैं जिनको सैंडी सॉइल चाहिए होती है. राइट, द इन्वायरमेंट एज ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपेगुल्स प्रेजेंट. सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इन सेकेंडरी सक्सेशन इज मच मच फास्टर. पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे वेदरिंग ऑफ रॉक्स करने में लाइकेंस की वजह से सॉइल बनने में. बट सॉइल तो यहां बना. सी द क्वालिटी ऑफ सॉइल कैन बी पुअर बट एटलीस्ट द सॉइल इज प्रेजेंट. चलो आ जाओ. तो ये देखो सबसे पहले आपका बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा. फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट, सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, रीड स्वैम स्टेज, मार्श मेडो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड फाइनली फॉरेस्ट. राइट, फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे सबमर्ज प्लांट्स आएंगे, देन धीरे धीरे सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे. इज दैट क्लियर? थोड़ा सा स्वैम बनेगा, मार्श मेडोज दलदल बनेंगे, मार्श इज दलदल, स्क्रब्स थोड़े पेड़ बड़े होने, फाइनली इट विल लीड टू अ फॉरेस्ट स्टेज. प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और याद रखना कि भले ही सक्सेशन वॉटर में हो रहा है या ड्राई लैंड में हो रहा है, वो हमेशा हमेशा मीसिक कंडीशंस की तरफ ही जाएगा. इट्स ऑलवेज गोइंग टू गो टुवर्ड्स अ मीसिक कंडीशन. सो योर फाइटोप्लैंक्टन्स, सबमर्ज प्लांट्स, देन दे ट्राई टू फ्लोट अ लिटिल बिट, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वंस, रीड स्वैम्प. स्वैम्प इज लाइक योर, यू नो, जहां पे यू हैव सीन दोज गीज एंड दोज वेरी कॉमन, आई डोंट नो, यू डोंट मस्ट नॉट बी नोइंग द नेम ऑफ दोज, यू नो, स्टॉर्क्स जो बर्ड्स होती हैं, एशियन ओपन बिल स्टॉर्क होती है. सो बेसिकली वाटर बॉडी बट वेजिटेशन बहुत होती है, ज्यादा मतलब खुला खुला नीला पानी नहीं दिखता. पानी होता है पर पानी के ऊपर वेजिटेशन बहुत होती है, ग्रो बहुत चीजें करती हैं. राइट, उसके बाद जब वो दलदल हो जाती है, सैंडी ज्यादा हो जाएगी, दलदल, दैट्स योर मार्श मेडो स्टेज. रीड स्वैम्प होती है जब आपकी बत्तखों वाला पानी, राइट, तो आपकी बहुत ग्रोथ है पानी में, अंडर द वॉटर बहुत ग्रोथ है. देखो इसलिए आपको पानी क्लियर नहीं नजर आएगा. ये देखो ये क्लियर पानी है, फिर भी यहां आपको पानी बिल्कुल भी क्लियर, दलदल तो दलदल इस स्टेज पे बनेगी, बट यहां पे पानी में यू नो लॉट्स ऑफ रीड मींस काई जमी होगी, बहुत बड़े बड़े ऐसे आपके अंडर वॉटर ग्रोथ हुई होगी, बिकॉज ऑफ विच फाइनली दलदल बनेगा एंड धीरे धीरे देखो ये भर गया, स्क्रब स्टेज एंड फाइनली द फॉरेस्ट स्टेज. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. चलो, और दोनों एक ही जगह पे आते हैं, दैट इज मीसिक. अब आ जाइए आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे. मैंने आपको ये पहले कराया है, यस और नो? अब मैं इसकी एनसीईआरटी मार्किंग करवा दूंगी तो ये चैप्टर एकदम हमें सील हो जाएगा. बताओ यस या नो में जवाब दो, किया या नहीं किया. ये देखो सेम चीज मैंने आपको तब कराई थी, कराया नहीं? फॉस्फोरस साइकिल बताओ, राइट, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क करवाने वाली हूं बच्चों अभी, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, वरना मैंने आपको ये सारी चीजें सेम साइकिल्स करवाई हुई हैं, सो दैट इट बिकम्स सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. समझ चुके हो ना, आता है? तो इसीलिए मैं प्लान कर रही हूं, हम एक मेंटी क्विज भी कर चुके, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी मार्किंग करनी है. You've studied in class 11 that organisms need a constant supply of nutrients to grow. आपको पता है organisms को nutrient चाहिए होगा, अगर nutrients नहीं दोगे तो वो grow नहीं करेंगे. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the you know soil at any given time. Standing crop नहीं है, standing crop से confuse मत कर देना, it is the standing state. What is it? Standing state. It varies in different kinds of ecosystems and also on seasonal basis. What is important to appreciate is that nutrients which are never lost from the ecosystems, वो recycle होते रहते. तो carbon dioxide जो है, इसीलिए global warming हुई, क्योंकि carbon dioxide तो धरती के बीच में पड़ा हुआ था in the form of oil and fossil fuel and petroleum. अब हमने निकाल के उसको atmosphere में कर दिया, जिसकी वजह से वो heat rays को trap कर रहा है, जिसकी वजह से earth का climb, you know, temperature बढ़ रहा है. Right? They are recycled indefinitely and this is called as nutrient cycling. Nutrient cycling ka ek aur naam hai, bio means living being, se
soil mein ja raha hai, soil se living beings mein aa raha hai, living beings se soil mein, so it's called as biogeographical, right? Gaseous cycles wo hoti hai jinka reservoir atmosphere hai, sedimentary cycles wo hoti hai jinka reservoir earth hai, simple. Chalo, so carbon dioxide ki cycle maine aapko puri samjha di hai, same diagram page number 253 ka leke maine aapko class mein samjhaya. Yes ma'am, no ma'am, mentee bhi kiya hai aapne is pe, right? So nitrogen, carbon dioxide, ये आपकी gaseous cycle हैं. क्या हैं ये आपकी gaseous cycles, right everybody? वापस चलते हैं, right? और जो आपकी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ ले चलते हैं, ताकि हम इसको mark कर सकें. Carbon, okay, हम फिर से आगे आ गए हैं, yes. So reservoir for gaseous type of nutrient cycle, आपने पता है nitrogen carbon cycle आपकी gaseous cycles हैं. Yes or no? Yes ma'am. और सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये अर्थ के क्रस्ट से आते हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है एटलीस्ट 20 टाइम्स. नाइट्रोजन, ये एमसीक्यू, ये मैं आपको करा चुकी हूं बच्चों, पुराना देखो, राइट. फंक्शन ऑफ रिजर्वॉयर इज, अगर कभी कमी हो गई तो रिजर्वॉयर से एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट. हमने नाइट्रोजन साइकिल पे तो मैंने क्लास ली है, ये मेरी आपसे गारंटी है कि जो क्लास मैंने ली है इसके ऊपर 500% ढूंढो आज नाइट्रोजन साइकिल एमसीक्यू आएगा. इतनी अच्छी स्लाइड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो मैंने नाइट्रोजन साइकिल की क्लास ली थी. चलो चलो चलो, कार्बन साइकिल मैं आपको करवा चुकी हूं, राइट. 71% एमसीक्यू में आएगा. डिसॉल्व्ड इन ओशंस है. दिस ओशनिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन है, बाकी सॉइल में है और बाकी ओशंस में है, राइट. फॉसिल फ्यूल्स रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन. कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4×10^13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली. मतलब इतने पेड़ हैं दुनिया में दैट 4×10^13 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फ्रॉम CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू C6H12O6 इन द बॉडी. आ सकता है, बट अ कंसिडरेबल अमाउंट ये फिक्स हो रहा है रिटर्न थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. डीकम्पोजर्स भी जब डिग्रेड करेंगे बॉडी को, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एड कर देंगे, राइट. बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबस्शन, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ये बहुत सिग्निफिकेंटली कार्बन साइकिल को अफेक्ट करता है. डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, सो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोस्फेयर में बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ विच द एटमोस्फेयर इज हीटेड अप. क्या कहेंगे उसको, ग्लोबल वार्मिंग. फास्फोरस साइकिल में आपको पूरी की पूरी करवा चुकी हूं. यस प्लीज बच्चों, चार्ट देखिए, मैम कितना बोल रही है, स्ट्रैटेजीज दे रही है, 2.5 मंथ की स्ट्रैटेजीज दी है, ड्रॉपर के लिए टाइम टेबल ले रही है, एम्स जाके लेक्चर ले रही है. यस और नो बताओ, यस और नो. तो प्लीज इसको याद से करिए, राइट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद से करिए. सो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ आपको वेदरिंग पता है, रॉक्स जब टूटते हैं तो निकलता है, और कहां होता है, शेल्स, बोन्स एंड टीथ. यूजुअली किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. प्लांट से, सॉइल से प्लांट्स में जाता है, प्लांट से हमें मिल जाता है, राइट. और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो वापस फॉस्फेट को मिट्टी में डाल देते हैं, राइट. देयर इज नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. रेस्पिरेटरी, ऐसे PO2 नहीं निकलता है या PO4 नहीं निकलता है बॉडी से, फॉस्फेट के फॉर्म में ही निकलता है. सो इसीलिए, क्योंकि एयर में नहीं जाता, कार्बन जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी साइकिल है, गैशियस साइकिल है, और ये आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है. इज दैट क्लियर? एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स. गैशियस है कार्बन डाइऑक्साइड, पर फास्फोरस इज नॉट गैशियस. फास्फोरस आपकी सॉइल से पाई जाती है, फास्फेट. तो ये मैंने आपको पूरा कराया था, वेदरिंग, सॉइल, सॉइल से प्लांट्स, प्लांट्स से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जब डिकम्पोज करेंगे डेट्रिटस से वापस सॉइल में. सो इट इज अ प्योर, इट्स अ प्योर, इट्स लाइक अ, it's only in the rocks, it's in the minerals. So the reservoir has to be earth, it cannot be gases. Is that clear? Ecosystem services. Yes, आपको पता है कि ecosystem हमें क्या क्या नहीं देता, right? So obviously ecosystem हमें economic help,
environment aesthetic services. So ये सारी चीजें ecosystem services हैं. Healthy forest air देगा, water देगा, सूखा नहीं पड़ने देगा. Mitigate is to stop the cause. Floods, nutrients, right? Floods नहीं होने देगा, fertile soil देगा, wildlife को habitat देगा, biodiversity करेगा, pollination करेगा, सुंदर दिखेगा, cultural, spiritual help करेगा. Can you imagine कि Robert Constanza scientist ने कहा कि अगर आपको अंदाजा लगाना पड़े तो इन fundamental services का cost पता है कितना है? US $33 trillion. कहते हो, it's a $1 billion company, it's a $1 million company. Trillion, $33 trillion. Because they are free, so हमें इनका पता नहीं चलता. Right? This is nearly twice the value of the global gross national product. India की GDP, US की GDP, China की GDP कुछ नहीं, global gross national product से twice है. इतना हमें Mother Earth free में देती है, इसीलिए हमें उसकी कदर नहीं होती. मैं भी free में पढ़ा रही हूँ, इसीलिए तुम लोग like नहीं करते हो. Yes, naughty बच्चों, चलो करो एक like. The soil formation accounts for 50%. इतना टाइम लगता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह होती रहती है, तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं. द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच की कॉस्ट है. क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस पे, डोंट वरी. यस, क्वेश्चंस सिर्फ उस वैल्यू पर आ सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा सुपर से भी ऊपर का सेशन खत्म होने की कगार पे आया. एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगी बिफोर आई से थैंक यू. बच्चों ये प्रेस करना, लाइक अभी करो, शेयर अभी करो, सब्सक्राइब अभी करो. चलो इसी के साथ हम मिलते हैं, बाय.